हेलो फ्रेंड्स, सलाम नमस्कार सत श्री अकाल। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सीक्रेट दुनिया में। दोस्तों, 16 साल की उम्र में शेफ बन जाना, चलना सीखने के बाद प्रोफेशनल फोटोज क्लिक करने लग जाना, 5 साल की उम्र में किसी का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में लिखा जाए, तो भाई फिर तो उसकी एबिलिटीज औसम ही होगी। तो दोस्तों, आज हमारी इस वीडियो में हम ऐसे ही किड्स के बारे में बात करने वाले हैं जो बड़े कमाल के हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, इस लिस्ट में पहले नंबर पे है एलिटा आंद्रे। दोस्तों, क्या आपको याद है जब आप 9 महीने के थे तब आपने क्या किया था? ऑफ कोर्स किसी को भी याद नहीं होगा जब तक किसी के पास भाई सुपर मेमोरी ना हो, मगर आपके पेरेंट्स ने जरूर आपको आपके बचपन की पिक्स दिखाई होंगी और आपने अपने बचपन की ड्राइंग भी देखी होगी। मगर कुछ बच्चे पेंटिंग में बहुत अच्छे होते हैं दोस्तों, जैसे एक बेबी है जिसका नाम है एलिटा आंद्रे। मैं आपको बता दूं, वो इस प्लेनेट की सबसे यंगेस्ट प्रोफेशनल आर्टिस्ट है। एलिटा ने अपनी पहली पेंटिंग तब बनाई थी जब वो सिर्फ 9 महीने की थी। और देखिए, मैं आपको बता दूं कि एलिटा के फादर भी एक आर्टिस्ट थे, तो उन्हें कहीं बाहर जाना था और वो अपना कैनवास हॉल में ही भूल गए, और फिर एलिटा ने पेंट ट्यूब्स को दबा दबा के कलर निकालना शुरू कर दिया, और इसके रिजल्ट ने उनके पेरेंट्स को शॉक कर दिया। वो एकदम हैरान हो गए। मैं आपको बता दूं, अभी एलिटा 11 साल की है और अब वो मॉडर्न एब्स्ट्रैक्ट आर्ट बनाती है। दोस्तों, इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर है फ्लिन मैगेरी। एक रेस्टोरेंट की कल्पना कीजिए जिसे एक बच्चा चला रहा हो। नहीं, डायपर वाला नहीं भाई, उससे थोड़ा बड़ा। वेल, इट्स इम्पॉसिबल है ना, बट दोस्त एवरीथिंग इज पॉसिबल। मैं आपको बता दूं, फ्लिन मैगेरी जब 10 साल के थे ना, तब से ही वो कुकिंग करने वालों को बड़े ध्यान से देखा करते थे और पार्टिसिपेट करने की कोशिश किया करते थे। और 12 साल की उम्र में उन्होंने कुछ नई डिशेस इन्वेंट करने की सोची और उन्होंने बहुत सारे कॉम्बिनेशन भी ट्राई किए, और इसका रिजल्ट ये निकला कि जब वो 16 साल के हुए तब उन्हें काफी रेस्टोरेंट्स में गेस्ट शेफ के लिए बुलाया गया। फ्लिन मैगेरी यंगेस्ट शेफ हैं, उनका न्यूयॉर्क में खुद का रेस्टोरेंट है। और फ्रेंड्स, इस लिस्ट में तीसरे नंबर पे है मोन डेविस। ये लड़की फेमस एथलीट बनने के लिए ही पैदा हुई है। काफी सारे एडल्ट्स भी बेसबॉल नहीं खेल पाते, मगर डेविस ने 13 साल की छोटी सी उम्र में बॉल को पिच किया, वो भी 110 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, जो काफी कूल है। यूएस में लड़कियां ज्यादा बेसबॉल नहीं खेलती, इसलिए उनके पास चांस था हीरोइन बनने का और हिस्ट्री चेंज करने का। डेविस ने अपनी लाइफ में कई सारी बुक्स लिखी। 2015 में उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी भी पब्लिश करी। दोस्तों, इस लिस्ट में चौथे नंबर पे है मेहम कैसर। देखिए, सभी छोटी बच्चियां अपने आप को अलग अलग वैरायटीज की ड्रेस में अज्यूम करती हैं, कैटवॉक भी करती हैं, और कुछ तो भाई अपनी मम्मियों के स्वेटर भी ट्राई करती हैं। मैं आपको बता दूं, 4 साल की मेहम कैसर खुद के ही अपने आउटफिट्स बनाती हैं। उसकी एक एक फोटो पर कई कई कॉमेंट्स आते हैं। इस गर्ल का करियर फैशन डिजाइनिंग है। अभी मेहम सिर्फ 9 साल की है। अगर वो इस काम को कंटिन्यू करती है तो फैशन वर्ल्ड में उनका नाम काफी होगा। सेलिब्रिटीज भी मेहम के डिजाइन किए हुए ड्रेस पहन सकती है फ्यूचर में। दोस्तों, इस लिस्ट में पांचवें नंबर पर है मैडी जीगलर। आपने इस लड़की को सिया की वीडियो में भी देखा होगा। मैडी जीगलर ने मिलियन लोगों का दिल जीता हुआ है। इन्होंने पीपल्स चॉइस अवार्ड 2016 भी जीता था। अभी मैडी सिर्फ 16 साल की है। वो होम स्कूलिंग कर रही है। उन्होंने अपनी मम्मी को कन्विंस भी कर रखा है कि डांस उनके लिए पढ़ाई से ज्यादा इम्पोर्टेंट है। वो डांस करने के साथ साथ बिजनेस भी करती है। मैं आपको बता दूं, मैडी और उनकी सिस्टर ने क्लोज का बिजनेस शुरू किया और उसके बाद मैडी ने खुद का बिजनेस स्टार्ट किया। मैडी ने ऑटोबायोग्राफिकल बुक रिलीज करी जिसका नाम मैडी डायरीज था। ये बेस्ट सेलर बुक्स में से एक है। दोस्तों, इस लिस्ट में छठवें नंबर पर है ब्रैंडन फिलिप्स। 6 साल की छोटी सी एज में ब्रैंडन फिलिप्स को किक बॉक्सिंग में ब्लैक बेल्ट मिली थी। ये यूके का यंगेस्ट चाइल्ड है जिसने ये कर दिखाया। ब्रैंडन एक हफ्ते में 5 दिन प्रैक्टिस करते हैं। उनके फादर के अकॉर्डिंग ब्रैंडन ने जब ट्रेनिंग स्टार्ट की थी तब वो सिर्फ 2 साल 2 महीने के थे। उसे ढंग से बात करना भी नहीं आता था, मगर वो अपने पापा के साथ वर्कआउट एंजॉय करता था। उसके पापा एक प्रोफेशनल किक बॉक्सर थे। ब्रैंडन ने कभी भी अपनी स्किल्स को स्कूल में यूज नहीं किया, उन्हें सेल्फ डिसिप्लिन सिखाया गया है। दोस्तों, इस लिस्ट में 7वें नंबर पर है जूलियन पवन। इनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में तब लिखा गया जब वो सिर्फ 5 साल 3 महीने और 3 दिन की थी। वो वर्ल्ड की सबसे यंगेस्ट प्रोफेशनल ड्रमर हैं। जूलियन ने पहली बार ड्रम 3 महीने की छोटी सी एज में प्ले किया था, वो भी अपने फादर की गोद पर बैठ के। इन्हें 22 पीस ड्रम प्ले करने में कोई भी दिक्कत नहीं होती। ये यंगेस्ट इन्वेंटर के नाम से जानी जाती है, साथ ही ये एक यंग एंटरप्रेन्योर भी है। दोस्तों, इस लिस्ट में 8वें नंबर पर है ऑना फोजरी रेमेट। देखिए, कुछ लोग अच्छा कैमरा खरीद लेते हैं और उसके बाद भाई अपने आप को प्रोफेशनल फोटोग्राफर समझने लगते हैं, लेकिन ऑना फुजरी भाई बचपन से ही कमाल थी, कमाल की फोटोग्राफर। मैं आपको बता दूं, ऑना फुजरी रेमेट 2010 में लागोस नाइजीरिया में पैदा हुई। उनके दांत भी ठीक से नहीं आए थे, 3 साल की छोटी सी थी जब इन्होंने क्लिक करना शुरू किया। ये अपने नी पर्सपेक्टिव से काफी यूनिक फोटो क्लिक किया करती थी। इनका प्रोफेशनल एग्जीबिशन 8 जून 2013 लागोस में ही लगा, और भाई इनको वर्ल्ड्स यंगेस्ट प्रोफेशनल फोटोग्राफर भी कहा जाता है। दोस्तों, इस लिस्ट में 9वें नंबर पर है जानट प्लूटीनियंग थॉय। ये लड़का बहुत ही टैलेंटेड है। ये पहले कुछ देर वॉयलिन प्ले करता है और फिर पेंटिंग्स बनाने लगता है, और ये लड़का दोनों में ही कमाल का है।
इनका फर्स्ट एग्जीबिशन बैंकॉक में हुआ जब ये सिर्फ 3 साल के थे। इन्होंने 2000 से ज्यादा पेंटिंग्स बनाई हैं और सभी काफी ज्यादा महंगी हैं। ये अपने सोलो कॉन्सर्ट्स भी करते हैं। और दोस्तों इस लिस्ट में 10वें नंबर पर है क्लेयर अबॉट। देखिए मैं आपको बता दूं, ये बहुत ही टैलेंटेड है, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लड़की है, बहुत ही ब्यूटीफुल लड़की है। ये सॉन्ग्स भी लिखती है और साथ ही तरह तरह के इंस्ट्रूमेंट्स भी प्ले करती है। ये काफी फेमस यूट्यूबर भी है और भाई इनके इंस्टाग्राम पर बहुत सारे लाइक्स आते हैं। और मैं आपको बता दूं, क्लेयर थोड़ी सी सोफी टर्नर जैसी लगती है। अरे वही जो गेम ऑफ थ्रोन्स में है। अच्छा क्लेयर ना अभी हाल फिलहाल सारे सोशल नेटवर्क से हट चुकी है एंड लोगों को ऐसा लगता है कि उन्होंने अपने फैंस के लिए कुछ सरप्राइज प्लान किया हुआ है। अब ये सरप्राइज क्या है ये तो हमें भी नहीं पता। हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए एंड प्लीज हमारे चैनल सीक्रेट दुनिया को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। अब आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।